हजारों करोड़ रुपए जनता की जेब से ले लिए। अब चुनाव से ठीक पहले पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जो दबाव बना उसके डर के आगे उन्होंने थोड़ा बहुत उसको कम किया है, लेकिन बहुत कम किया है और बहुत देरी से किया है। हमारे भारत बंद का दबाव व्यापक रहेगा और पूरे देश में बीजेपी की सरकार को जनता की मांग के सामने झुकना पड़ेगा। आपने कहा दोनों को अब GST के दायरे में लाए केंद्र से, हमें कांग्रेस पार्टी ने मांग करी है कि पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाओ ताकि जनता को राहत मिले। कोई कारण नहीं है कि गैस का सिलेंडर, पेट्रोल डीजल जो आम व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसको आसमान की कीमतें छुआ दी है बीजेपी ने। बीजेपी को अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, हमारे भारत बंद के दबाव के चलते राजस्थान सरकार को यह फैसला करना पड़ा और अब जनता को और राहत दी जाए ताकि पेट्रोलियम पदार्थ अगर GST के दायरे में आते हैं तो जनता को इससे बेहद फायदा होगा। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।